ओके गाइस, फाइनली अपनी कस्टम यहाँ पे चालू हो चुकी है। कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि टीम मेंबर्स के मैसेज आ जाते हैं, भाई चालू हो गया क्या नहीं और सब। भाई जो टाइम दे वो टाइम पे भाई आया करो यार, ऐसा मत किया करो गाइस, प्लीज़ बी ऑन टाइम, क्योंकि बाकी सब टीम मेंबर्स भी अपने दिए हुए टाइम पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट गाइस, अपने अपने स्लॉट में अपने दिए हुए टाइम पे ही आया करो। टोटल 59 अभी फ़िलहाल जिंदा लाशें बोल सकते हैं हम लोग, 59 ओके जस्ट हिटिंग। देखते हैं अभी आज का फ्लाइट पाथ तो ओके फ़िलहाल तो बना नहीं है, देखते हैं। यहाँ पे अपने साथ है आकाश, ये अपने टीम से बिछड़ चुके हैं भाई। आकाश कौन है ये मुझे पता नहीं भाई, अपने टीम से बिछड़ चुके हैं शायद से, उसकी अपनी टीम नहीं आई है। समुराई के हमारे दो ही बंदे आए आज, शायद समुराई पिक्सल नहीं आ पाए आज। चलिए अभी देखते हैं फ्लाइट पाथ। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइस। ओके ये रही फ्लाइट पाथ। ओ नोवो मिलिट्री बेस, मिल्टा मिल्टा पावर पोचिंग की और यासना ये जगह पे है। देखते हैं अभी बंदे खा पे होता था सब, मैं नहीं बोल सकता। कुछ लोग ऐसे बहुत दूर दूर कामेश के भी जाते हैं, कामेश के सेवर ने सार के जोड़जो पुल प्रिमोस में भी उतरते हैं। देखते हैं अभी कौन कहाँ पे उतरता है। सब लोग प्लेन में ही है अभी फ़िलहाल तो, प्लेन यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं ये रहे टीम नंबर 16, ये आपका जा रही है भाई, यासना जा रही है शायद से। टीम नंबर 19 मे बी शेल्टर और प्रिजन, मेंशन में मेंशन के आगे तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे ड्रैगन टीम नंबर 17 फेल है, टी आर फिनिशर ये हम पोचिंग के कंफर्म। टीम नंबर 20 भी शायद से पोचिंग की ही कंफर्म, और समुराई की टीम भी पोचिंग की ही जाएगी, और ये मिलिट्री बेस में टीम नंबर 10। देखते हैं अभी सबसे पहले भाई जो सो फाइट हमें जल्द से जल्द देखने मिल सकती है। ओके पोचिंग के में कट्टा और ये की फाइट हो सकती है, ऑब्वियसली होगी फाइट। ओके स्कूल और वे भी स्कूल रोजॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, टीम नंबर 15, टीम नंबर 12 और टीम नंबर 3। ओके ओके सामुराई की टीम यहाँ पे सामुराई, ओके टीम नंबर 4, टीम नंबर 21, टीम नंबर 22 मिलिट्री बेस। ये लोग यहाँ पे मिलिट्री बेस में, ओ भाई गन मिल गया कि नहीं, समुराई जोन, समुराई जोन ने यहाँ पे नॉक कर दिया है यहाँ पे। अपना खाता खोलते हुए और भी उनके टीम नंबर 21 के यहाँ पे बंदे हैं, उन पे पुश हो चुका है ऐसा लग रहा है अभी। हाँ हो गए, ओ भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड समुराई जोन, बहुत बढ़िया भाई। पर अभी एक्चुअली ये डुओ वर्सेस स्क्वाड में मिलिट्री बेस में हमें देखने मिल सकता है, सिटी ओके सिटी की टीम और समुराई की टीम। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। जोन बना है उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर, अभी देखते हैं मैम वैम्पायर और थ्री ये लोग पे टपट नज़र डाल लेते हैं। ये स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे, टीम नंबर 12 भी दोस्तों ओके टीम नंबर 12 कंपाउंड में है और टीम नंबर 3 के शायद से एक बंदे वहाँ पे कंपाउंड में ही होल किया है ऐसा लग रहा है। कौन है कंपाउंड में? हाँ ये वैम्पायर ब्लड जो है वो कंपाउंड होल्ड किया है यहाँ पे। टीम नंबर 12 पे स्पॉट करते हुए टीम नंबर 69 है वहाँ पे, ओके टीम नंबर 69 वहाँ पे है कंपाउंड्स में उनके साथ। यासना है हमें दोस्तों टीम नंबर 19, बीटीसी की स्क्वाड टीम नंबर 9 निंजा, टीम नंबर 9 के एक्चुअली जोकर नॉक्स, मे बी नॉक्स की टीम है ये, जो इनके एक्चुअली अलग अलग नाम है ना, नॉक्स निंजा जोकर, तो थोड़ा बहुत हो जाता है कंफ्यूजन। ओके मिले यहाँ पे कार 98 ओके अभी यहाँ पे एक मिनट पोचिंग के इधर है, ये रही अपनी पोचिंग के, पोचिंग के में पट्टा
कट्टा की टीम और ईएफ की टीम है यहाँ पे, आमने सामने भिड़ गए रहा है ज्यादा। ओके यहाँ पे ईएफ के रोशू यहाँ पे नॉक हो गए, यहाँ पे कट्टा डाउन भी यहाँ पे नॉक होते हुए ईएफ दीपक से। ओके दोनों में से कोई भी पुश नहीं करना चाहेंगे क्योंकि दोनों ही टीम के बंदे नॉक थे। ओके ये फ्लोर रोशो को उठा लिया गया यहाँ पे, कट्टा डॉन को यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश, बट कोई बात नहीं सेफ में आ चुके, बट उनको ओके स्मोक कर लिया गया उन पर। ये दीपक की ओर से रैंडम फायर है कट्टा के डॉन यहाँ पे, कट्टा कार्लोस यहाँ पे बचाने में जाने के लिए, कट्टा के टीएम यहाँ पे पीछे से कवर फायर देते हुए, मगर साइनत ने यहाँ से पीछे से पूरा फ्लैंक मारते हुए, ई एफ के साइनर बहुत पीछे से यहाँ पे फ्लैंक करते हुए उन पे, यहाँ पे कट्टा के टीम कट्टा कैरलॉस ने यहाँ पे होल्ड किया इधर। कट्टा ये टीएम को शायद से अंदाजा में भी नहीं है कि यहाँ पे पीछे साइनाथ बहुत ही बड़ा फ्लैंक मार रहे हैं दोस्तों, तो फ्लैंक सक्सेसफुल होता है या नहीं। कट्टा डाउन यहाँ नीचे की तरफ, और ये इस तरफ ये दीपक ने ये कंपाउंड यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे होल्ड किया है। ये है ईएफ के शायद से नए मेंबर है, का नाम जेड बिट समथिंग एक्सिबिट उनका नाम है। ये यहाँ पे ईएफ के रोशो के, ये रही ईएफ के साइनात यहाँ पे, ईएफ टीम के साइनात यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लैंक करते हैं उसे। ये रहे पीछे की ओर, दोनों पीछे से पूरा फ्लैंक मार दिया यहाँ पे। तो फिर गॉड रोहन को यहाँ पे नॉक कर दिया गया दोस्तों। क्या होगा रोहन यहाँ से, उनके यहाँ से मैं भी थोड़ी दूर ही है, देखते हैं यहाँ पे रोहन की पोजीशन। ओके रोहन सेफ है यहाँ पे, सेफ नहीं है, एक मिनट शायद से उनके एग्जैक्टली बिल्डिंग के ऊपर ही है यहाँ पे। ओके मेरे जोन में भी गॉड रोहन नॉक फिनिश हो सकते हैं यहाँ पे, चांसेस है समुराई जोन यहाँ पे टीवी पे लेते हुए, देखते हैं क्या कर पाए, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम अपनी टीम को बचाने के लिए। यहाँ पे वैम्पायर स्टॉर्म, यहाँ पे वैम्पायर गिरोस यहाँ पे फाइट चालू हो गई है। यहाँ पे वैम्पायर स्टॉर्म जो है, वैम्पायर स्टॉर्म यहाँ पे नॉक हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे 69 के माइक ने इनको नॉक कर दिया। यहाँ पे स्कूल स्कूल बिल्ड स्कूल में है, स्कूल के मेन बिल्डिंग में है ये, और यहाँ पे सिटी, ओके यहाँ पे सिटी और वैम्पायर गॉड ने यहाँ पे 69 स्क्रीम को यहाँ पे नॉक कर दिया दोस्तों। ओके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इजीली बचा सकते हैं अपने टीम मेंबर को। यहाँ पे टीम नंबर 69, ओके एक मिनट कट्टा डॉन ने यहाँ पे, ओ भाई एक मिनट, हमें ये फाइट मिस नहीं करनी है दोस्तों, एक ये फाइट हमें मिस नहीं करनी है। कट्टा डॉन ने यहाँ पे, कट्टा डॉन के यहाँ पे खुद सोनिया और टीएमआई नॉक हुआ है यहाँ पे, ईएफ के रोशन नॉक है ये रहे, ईएफ ने यहाँ पे उनको पुश कर दिया। ओ बहुत ही बढ़िया, ईएफ की पूरी टीम आउट। ओ भाई बहुत ही बढ़िया खेले भाई, मगर उन्होंने शायद से अपने टीम मेंबर सोनिया को खो चुके हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं तो फिर भी उनके तीन बंदे अलाइव हैं। ये रे कट्टा डॉन इस तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन्हें इजीली उठा सकते हैं। ये यहाँ पे एक मिनट एक मिनट, ये भाई ये छुपे रसम कहाँ से आ रहे, ये आकाश, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीपी पे ले रहे हैं क्या भाई, टीम नंबर 20 कट्टा पे। अभी उनके पास चांस है पर पुश करना चाहे तो, क्योंकि सबकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा लो है। ओके और ये धीरे धीरे अभी देखते हैं अभी ये क्या क्या कर सकते हैं, खुद के लिए एक किल उठा पाते, स्क्वाड वाइप हो सकती है कि या खुद ये वाइप आउट हो सकते हैं। फिलहाल देखते हैं हम यहाँ पे वैम्पायर गॉड, यहाँ पे वैम्पायर की टीम की यहाँ पे फाइट चल रही है दोस्तों। वैम्पायर स्टॉर्म यहाँ पे नॉक हो चुके, नॉक होते हुए यहाँ पे उन्होंने टीम नंबर 69 के
दो बंदे गिरा है टीम वैम्पायर के, यहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ सेफ है टीम नंबर 69 के। ये ओके नॉक फिनिश, ये इस तरफ है इनके टीम नंबर 69 के। दूसरे बंदे कहाँ पे इनके, ये इतने ये अपने टीम से इतने दूर दूर क्यों चले जाता है यार, अपने स्क्वाड के साथ रहो ना यार गाइस। देखो अभी यहाँ पे एक मिनट, ये कौन सी टीम नंबर 12 ना, टीम नंबर 12 के यहाँ पे दोस्तों दो ही बंदे अलाइव हैं, एक तो नॉक है और ये रिओड। ये क्यों मतलब रोजॉक में जाने की मे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको अपने टीममेट्स को बचा लेना चाहिए था। अभी ये 69 रिओड अपने टीम से एक ही मेंबर बचे हुए हैं। अभी जोन चालू हो चुका है, जोन में टोटल एक दो तीन चार टीम को दोस्तों जोन में आना है। टीम नंबर 17 को हम देख लेते हैं, यहाँ पे इथन हंट, ये इथन हंट की टीम है यहाँ पे। डेविल अमे अमेया ड्रंकन डेड जोन में आ जाना चाहिए फटाफट। क्या कर रहे हैं, हेल्थ किट ढूंढ रहे क्या अपने लिए गाइस? ओके कोई बात नहीं, चलो चलो गाइस फटाफट सेफ जोन में आ जाओ। यहाँ पे वन साइड के दीपेश, एक मिनट ड्रॉप की तरफ है कोई तो यहाँ पे। ओके कट्टा 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 के टीम के भी फाइट चालू है, कट्टा के यहाँ पे आकाश ने उनको गिरा दिया है। यहाँ पे आकाश में भी फुल फिनिश। ओके हाँ वो भी अपने एक ही टीम मतलब अपने टीम से एक ही बंदे थे वो। ओके कट्टा को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उनके तीनों के तीनों टीम मेंबर्स अलाइव है। कट्टा कैरलॉस के 3 किल्स, कट्टा डॉन के यहाँ पे 2 किल्स लेते हुए, और वैम्पर की टीम ने यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग को होल्ड किया है। यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग यहाँ पे होल्ड किया उन्होंने। और 10 टीम नंबर 10, एक मिनट ये रही टीम नंबर 10 यास्ना में, और यास्ना में ऑलरेडी BTC और नॉक्स की टीम है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये रही शायद से उन्होंने टीम नंबर 92 पे स्पॉट कर लिया दोस्तों। ओ ये स्नाइपर चला रहा है यहाँ पे, फुल व्यू देखते हैं यहाँ से। ये रही टीम नंबर 19 एक ही जगह पे है, और ये टीम नंबर 9 के दो दो ओके दो बंदे एक कंपाउंड में, दो बंदे कंपाउंड में। ओके कोई बात नहीं, अगर एक नॉक नॉक भी होता तो उन्हें इजीली उठा सकते हैं। टीम नंबर 10 में भी दोस्तों जोन की तरफ भाग रही है ये टीम। ओके वो लोग जोन में चले गए, टीम नंबर 19 जोन में चले गए, टीम नंबर 10 अभी भी यास्ता में ही है। ओके वन साइड की टीम 69 रियोट के एक ही बंदे है, वन साइड की टीम यहाँ पे शायद से वैम्पायर की टीम के साथ भीड़ सकती है, देख लेते हैं। यहाँ पे वैम्पायर की टीम ने भी वहाँ से गाड़ी निकाल ली है, कहाँ किस तरफ बढ़ते हैं तो ये हमें देखना है। ये पे ब्रिज कैंप लगा हुआ था क्या दोस्त? कि समुराई जोन इजीली जोन में आते हुए अपने टीम से फिलहाल एक ही बंदे वो बचे हैं यहाँ पे जो जोन में आ चुके हैं। टीआर रिवेंज भी जोन की तरफ बढ़ रहा, जोन में उन्हें फटाफट बढ़ना चाहिए। उनके पास का गाड़ी है थोड़ी आधी जली मगर ओके यहाँ पे गाड़ी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोन में बढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे ओके जोन मेरे कैसे दोस्तों यास्ना और यास्ना में लगने के चांसेस है जोन। ये टीम नंबर 15 FL टीम नंबर 15 टीम कर्मा ओके जो हमारे कस्टम मैच के विनर्स रह चुके हैं, दो बार विनर्स रह चुके हैं ये टीम। अभी देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, ये आज का डिनर निकल पाते कि नहीं। यहाँ पे कट्टा की टीम, यहाँ पे कट्टा की टीम को भी जोन में बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे कोई है नहीं, क्या कर रहे हैं? ओके ये रहे कट्टा के मेंबर बाइक पे, फटाफट जोन में निकल जाना चाहिए इन्हें भी। जोन में जाके एक प्रॉपर पोजिशन उन्हें ले लेनी चाहिए। ये समुराई जोन 3 किल्स के साथ जोन की तरफ बढ़ते हुए ये हिल कर रहे फिलहाल तो। ओके उनके पास व्हीकल है, ओके व्हीकल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोन में बढ़ सकता है इजीली। अभी देख जोन फिर भी ठीक ठाक डिस्टेंस पे ही है,
टीम नंबर 19 बीटीसी, टीम नंबर 10, टीम नंबर 9 और टीम नंबर 3 वैम्पायर ने भी यसो यहाँ पे यासना में इंटर कर चुके हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। टीम नंबर 3 और टीम नंबर 9 के बीच हमें दोस्तों यहाँ पे फाइट देखने, बहुत जल्द यहाँ पे फाइट देखने मिल सकती है। टीम नंबर 9 यहाँ के सामने वाले कंपाउंड पे, और ये रही टीम नंबर 3 की वैम्पायर टीम, दोनों ही आमने सामने हैं। ओके योयो 786 को यहाँ पे डैमेज मिलते हुए। ओके यहाँ पे एक मिनट, टोटल कितने बंदे बचे बचे उनके? ओके चारों को, चारों बंदे यहाँ पे बचे उनके। देखते हैं ये टीम नंबर 9 एक फुल कंपाउंड में यहाँ पे होल्ड किए हुए, ये रहे यहाँ पे नॉक्स डेविल टीपीपी लेते हुए। देखते हैं अगर नॉक, अगर इन दोनों टीम में से कोई भी अगर उनका बंदा अगर नॉक भी था दोस्तों, तो फिर ये पे पुश करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि क्या अगर एक नॉक होता है तो वो इजीली उठा सकते हैं, क्योंकि बाकी दो बंदे कवर के लिए रहते हैं। अगर दो बंदे यहाँ पे नॉक होते तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों में से किसी एक टीम पे पुश होने के। ये रही कट्टा की टीम, कट्टा। ओके सब, ओके अभी सब लोग दोस्तों यासना की ओर बढ़ रहे हैं। मे बी ये जोन यासना में ही लगने वाला है। अभी यासना में बहुत बड़ी दोस्तों फाइट देखने मिल सकती है यहाँ पे। ये वन साइड के फ्रीक ने पे कट्टा के, एक मिनट एक मिनट, कट्टा 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 किधर गया? कट्टा के टीम किधर गई? ये रहे कट्टा TMI को वन साइड के फ्रीक ने यहाँ पे नॉक फिनिश कर लिया था। ये रहे कट्टा कैरलोस, ये क्या ग्रेनेड किया भाई इन्होंने? चलो कोई बात नहीं, फिनिश, उनका किल किल चुरा लिया गया है दोस्तों, बेबी का किल चुरा लिया गया है ऐसा लग रहा है मुझे। ये रहे टीम नंबर 9 के, BTC की टीम यहाँ एक कंपाउंड ये पे पूरी, उन्होंने एक बिल्डिंग की पूरी होल्ड कर लिया यहाँ पे। इन्होंने शायद से वन साइड के दोनों मेंबर्स को स्पॉट कर लिया है, अभी उनके बचने के, मे बी उन दोनों को साथ में रहना चाहिए। अगर गलती से एक भी नॉक होता ना दोस्तों, यहाँ पे चांसेस कम है। यहाँ पे वैम्पायर की टीम, वैम्पायर के लॉर्ड को यहाँ पे नॉक कर लिया गया है, ब्लड, सॉरी ब्लड को यहाँ पे, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, उठा लेंगे यहाँ पे। इससे मैंने कहा था दोस्तों कि अगर एक नॉक भी, तो एक नॉक भी अगर होता है किसी भी टीम में से, तो पुश करने के चांसेस दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि क्या ये मतलब ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, मगर बहुत मुश्किल है एक्चुअली। अगर कोई भी टीम से अगर कोई नॉक होता है अगर ये, क्योंकि क्या मतलब बात तो वही है, अगर ये नॉक, अगर नॉक फिनिश अगर उन्हें उठाना हो, तो ये बिल्डिंग, ये पूरा रस्सा रस्सा उन्हें क्रॉस करके ये बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, फिर तब तक वो बंदा जो नॉक था वो रिवाइव हो के हिल हो के बैठा होगा उनकी राहत में। ये रहे वन साइड वैम्पायर गॉड को यहाँ पे फिर से नॉक कर दिया गया यहाँ पे। ये रहे वैम्पायर गॉड, क्या अभी देखते हैं कौन सी टीम दोस्तों जोन में है। फिलहाल तो ये समुराई जोन प्रॉपर रोटेशन एकदम एच टू एच खेल रहे हैं। उनके बाजू से ही टीम नंबर 17 को डॉच करते हुए क्या क्या कर रहे हैं? टीम नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं इन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया। यहाँ पे हम फाइट देख लेते हैं फटाफट। ये वैम्पायर की टीम यहाँ पे, ओके चारों बंद, चारों के चारों बंदे यहाँ पे अलाए हुए दोनों टीम के। टीम नंबर 19 यहाँ पे फाइट चल रही है टीम नंबर 10 के बीच में। ये रहे वन साइड, ये ओके 19 और 10 के बीच में फाइट चल रही है। BTC के अर्जुन को यहाँ पे प्ले जोन से वन साइड थैनोस प्ले जोन से मर चुके। ये भाई ये कहाँ गए थे यार? ये वन साइड थैनोस बहुत गलत जगह गए थे। ये वैम्पायर के ब्लड ने एक नॉक वन साइड, ओके ये बगर जैसा मैंने कहा था यहाँ पे पुश होने के चांसेस बहुत ही कम है, कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर हम दूसरी टीम देख लेते हैं। वन साइड के एक मेंबर ने यहाँ पे एक नॉक किया था, एक मिनट किधर गया?
ये वन साइड फ्रिक अपने टीम के तीन बंदे थानोस, फ्रिक, दीपेश किसे उठाने जा रहे हैं। थानोस डेड, थानोस जोन से डेड हो चुके हैं। ये टीम नंबर 15 को यहाँ पे क्रॉस किया था ऐसे इन्होंने, वन साइड के फ्रिक ने पे वैम्पायर किया पे फिर से यहाँ पे नॉक, और नॉक नॉक फिनिश में भी नॉक और वो सब उन लोग का चल रहा है। यहाँ पे नॉक उठाओ नॉक उठाओ वही चालू है इन लोग का। यहाँ पे वैम्पायर गॉड अपनी टीम के लिए 2 किल्स उठाते हुए, वैम्पायर स्टॉर्म यहाँ पे उनका भी 1 किल है अपनी टीम के लिए। ये हिल एफएलएम मंथन पे, एफएलएम मंथन यहाँ पे नॉक होके शायद से यहाँ पर उसको पुश हो गया है नंबर 10 का। ओ भाई भाई बसड़ भाई बसड़ फुल बसड़ ये रहे टीम से, शायद से अकेले ही नहीं एक और उनके बंदे अलाइव है, एक इधर है वे सबको नॉक फिनिश, सब बंदे यहाँ पे नॉक फिनिश, दोनों की हेल्थ बहुत कम है, फटाफट उनको हील कर लेना चाहिए। ये ओके ऑल क्लियर, टीम नंबर 3 ऑल क्लियर, शैडो डेल्टा ने यहाँ पे फिनिश कर लिया उन्हें। ये एफएलए की टीम, एफ एल ए नहीं है शायद से टीम कर्मा है मे बी। ओके 1 मिनट, हाँ ये टीम कर्मा है एफ एल ओ। शैडो डेल्टा ने अपने टीम के लिए यहाँ पे 4 किल्स उठाए हैं। और जैसे जो दोस्तों में लगा था मे बी ये जोन दोस्तों यासना में नहीं, ये एरिया ये जो है ना जो ड्रॉप गिरे शायद से वो एरिया में लग सकता है, लगने के चांसेस हैं। टीम नंबर 13 यहाँ पे होल्ड करते हुए, और ये समुराई जोन यहाँ पे H2H बढ़ते हुए, वैम्पायर ब्लड ने यहाँ पे नॉक्स डेविल को फिर, नॉक्स डेविल नॉक्स की टीम। ओके ये कंपाउंड कंपाउंड वाली फाइट जोकर रूपी को पे गिरा दिया तो शायद से पुश करने की कोशिश कर रहे दोस्तों। यहाँ पे वैम्पायर स्टॉर्म उनकी पूरी टीम आ रही है। हाँ दोस्तों यहाँ पे पुश हो चुका है फाइनली, किसी एक टीम ने यहाँ पे पुश कर लिया है। वैम्पायर स्टॉर्म अंदर अंदर घुस चुके हैं, ये रहा वैम्पायर स्टॉर्म, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। ओके तो वैम्पायर के शुभम यहाँ पे नॉक हो गए। ओ भाई भाई इनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ बहुत लो थी। वैम्पायर के 2 मेंबर यहाँ पे नॉक, एक ही उनके जिंदा है एलओडी लूड यहाँ पे जिंदा है, और ब्लड वैम्पायर ब्लड। ओके वैम्पायर के ऑल, वैम्पायर की टीम फिनिश, टीम नंबर 9, टीम नंबर 9 के यहाँ पे चारों के चारों बंदे यहाँ पे अलाइव है, नॉक थे यहाँ पे। ओके 2 बंदे नॉक हुए थे उनके, कोई बात दिक्कत की बात नहीं, उन्हें उठा लेंगे वो। देखो हाँ दोस्तों जैसा मैंने कहा था जोन मूव कर चुका है दोस्तों, ये दो ड्रॉप की ओर और सब बंदे, ये समुराई जोन H2H, ये कट्टा कट्टा, 1 मिनट एक ही मिनट दोस्तों, ये टीम नंबर 19 यहाँ पे पुश कर ले, ये कट्टा यहाँ पे होल्ड कर रहे, कट्टा टीम है अपने टीम से सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे अलाइव है कट्टा के, कट्टा कैरलॉस डॉन ने अपने टीम के लिए यहाँ पे टोटल 5 किल उठा लिए हैं। ये कट्टा के टीम है शायद से टीम नंबर 19 के अर्जुन ने स्पॉट कर रहे कि ये भाई कहाँ पे है, और ये शायद से ने स्पॉट कर लिया है भाई। बहुत बहुत बढ़िया भाई, इन पे पुश हो चुका है, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। बीटीसी तेजू और बीटीसी अर्जुन को यहाँ पे उन्होंने नॉक कर लिया था। कोई बात नहीं, मगर उनके सुशांत किलर जो है उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे बचा लिया है। टीम नंबर 16, इन्होंने पे किस किस को फायर किया था, ये तो उन पे फायर हो रही है यहाँ पे। ये भी आ गया बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। देख लेते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। टीम नंबर 15 और टीम नंबर 16 में जो 200 पे वेटिंग में है, ये भूलना ऑब्वियसली उनको पता नहीं, नहीं रहेगा ये चीज के बारे में। ओ भाई ये जोन एकदम शायद से दोस्तों, ये जोन ओपन में बनने वाला है। 21 प्लेयर्स अलाइव। दोस्तों चैनल पे नए हो तो अब भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक भी कर लो। यहाँ पे फाइट चालू हो गया। सलमान भाई ने यहाँ पे शेडो डेल्टा किंग 46 यू ए एफ एल ए डेविल, ये रहे यहाँ पे किंग 18 नंबर 16 और टीम नंबर 18। ओके यहाँ पे जगह जगह पे होल किए हैं। ये टीम नंबर 12 भी आ रही है पीछे से, आउट ऑफ जोन है। कोई बात नहीं, अपने टीम के एक ही बंदे बचे हैं, वो जोन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं सामुराई जोन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं शायद से, पेट्रोल भर रहे गाड़ी में। ओके भाई रिफ्यूल रिफ्यूल, गैस गैस भर रहे, कोई बात नहीं, भर लो भर लो। ये चाहे से पीछे से थप्पा दे सकते हैं सबको। कितनी टीम्स हो गई, यही ओके। ये टीआर रिवेज ने अपने टीम के लिए टोटल 7 किल लिए, अपने टीम के लिए 7 किल उठाए दोस्त, बहुत ही बढ़िया। ये पे फ्रिक यहाँ पे नॉक, फ्रिक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 18 के फिनिशर यहाँ पे हैं, उनके भी हेल्थ बहुत कम है। वसीम शेख को यहाँ पे नॉक कर लिया। ये का ग्रेनेड किया कि स्मोक किया, ग्रेनेड किया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड बोल सकते हैं हम लोग। ओके ये जोन चालू होने वाला है 17 सेकंड में, फटाफट उन्हें जोन में मूव कर लेना चाहिए। अब टीम नंबर 16 टीम नंबर 18 दोस्तों, भी ये मैच देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये रहे टीआर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्प्रे, बहुत ही बढ़िया स्प्रे किया है। बहुत ही बढ़िया स्प्रे टीआर रिवेंज का, यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आने नहीं दे रहे यहाँ पे। शायद से ये नॉक्स डेविल को खत्म करके ही मानेंगे। ओके नॉक्स डेविल खत्म यहाँ पे, नॉक्स के और बंदे यहाँ पे स्मोक में, इन्होंने प्रॉपर एज टू एज यहाँ पे खेल रहे। ये रहे ओ भाई जोन देखो गाइस, जोन देखो जोन क्या ही हट रहा है दोस्तों, जोन क्या ही हट रहा है जोन। फटाफट अभी बीटीसी को भी देख लेते हैं। ओके बीटीसी यहाँ पे जोन की एज में तो इन्हें एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही जोन में, आउट ऑफ जोन में। टीम नंबर 9 उनके टारगेट पे है। ये बीटीसी तेजू ने यहाँ पे उन्हें टीम नंबर 9 के एक बंदे को चाहे स्पॉट करा, यहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं बीटीसी तेजू। ओके ये रहे निंजा ओपी जो आउट ऑफ जोन है, उनमें जोन में आने के उनके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 18। ओ भाई स्नाइपर स्नाइपर भागो भागो स्नाइपर भागो भागो जोन में भागो, मत रहो ऐसे एज पे। अभी नॉक होने वाले, नॉक होने वाले, नॉक होने वाले। बीटीसी तेजू मत झुको नीचे, स्नाइपर पड़ सकती है। चले जाओ फटाफट चले जाओ। वेरी गुड वेरी वेरी गुड। ये टीम नंबर 9 के देख लेते एक बार इन्हें, निंजा ओपी ये स्मोक स्मोक खेल रहे हैं यहाँ पे। जोन में आ जाना चाहिए इन्हें भी, शायद से इन पे पुश हो गया क्या इन पे। नहीं, टीम नंबर 18 यहाँ पे जोन की तरफ बढ़ गई है। ओके पर डायरेक्शन उन्होंने ओके यहाँ पे निंजा ओपी यहाँ पे फिनिश।
समुराई जोन है यहाँ पे, समुराई के जोन यहाँ पे, जोन में आ गए हैं यहाँ पे समुराई के जोन पर। उन्हें पता नहीं कि बीटीसी के सांप पीछे से आ रहे हैं, और ये रहे बीटीसी के सांप। वो भाई बीटीसी तो जो यहाँ पे नॉक एम बहुत ही बढ़िया वाला स्प्रे स्नाइपर, यहाँ पे समुराई के जोन भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे टीम नंबर 18 आज बहुत ही बढ़िया, टीआर रिवेंज ने अपने टीम के दोस्तों 10 किल यहाँ पे उठाया, यहाँ पे 10 किल, सोचो दोस्तों पर 10 किल यहाँ पे उठा लिया यहाँ पे अपने टीम के लिए। मैं ये मैच ऊपर से देखना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि चारों बंदे यहाँ पे अलाइव हैं, कवर भी है इनके पास, मगर जोन में नहीं है। और जो बीटीसी जो ये टीम नंबर 19 दोस्तों, ये जोन में, ये रहे टीम नंबर 19 बीटीसी अर्जुन यहाँ पे अलाइव है, सुशांत किलर यहाँ पे अलाइव है और जोन में है। उनपे पुश हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे उनपे पुश हो चुका है, बहुत ही बढ़िया पुश यहाँ पे, ऑल क्लियर। भाई कितने किल निकालोगे, 10 किल तो उठा चुके अपने टीम के लिए, बाकी अपने टीम मेंबर्स को भी करने दो। ओके M4 है पे, स्पाइडर ने पे 6 किल्स उठा लिए, पे सलमान भी यहाँ पे नॉक नॉक फिनिश, 11 किल के साथ टीआर रिवेंज यहाँ पे 11 किल्स। प्ले जोन से मत मरो यार, प्ले जोन से ओनली टीम नंबर 16 ही। ओ भाई ये रहे 69। ओ भाई अरे मैं, हमने तो इन्हें देखा ही नहीं। ओ भाई इन्हें भी फिनिश कर लिया, इन्हें देख लिया गया था, उन्हें फिनिश कर लिया है। और ये रही टीम नंबर 16 पे, अभी शायद से पुश होने वाला है। ओके पुश हो चुके हैं उन पे। ओके 3v2, 3v2 हो गया यहाँ पे, ऑल क्लियर। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय इट, बाय।